पंचकुला में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली मेला व्यय विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्रदेश में लागू करने वाली एजेंसियों को आमंत्रित किया गया। इस मेले का शुभारंभ भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक दीपक दास ने किया। मुख्य लेखा नियंत्रक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा मिल रहे आवंटित फंड राज्य द्वारा कितने समय में खर्च हो रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है। जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनकी जो फंड्स रिलीज होती हैं वो हर स्टेट में कैसे इसका प्रावधान होगा और फंड्स कैसे रिलीज होंगे, इसकी MIS कैसे रिपोर्टिंग होगा, जिसमें कि बैंक्स भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऑफिशियल्स भी हैं, उन सबकी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली फिजिकल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें PFMS की सभी एजेंसीज ने भी भाग लिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा PFMS में अग्रणी रहा वैसे ही अब सिंगल नोडल अकाउंट मॉडल में भी अग्रणी रहेगा, इससे व्यय सुव्यवस्थित हो जाएगा। करेंगे, पहले भी हरियाणा राज्य अग्रणी रहा है, अब सिंगल नोडल अकाउंट का जो नया सिस्टम उन्होंने PFMS में शुरू किया इसमें भी हरियाणा राज्य अग्रणी रहेगा। इसमें कई फायदे हैं, एक्सपेंडिचर का स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है उसका पता चलेगा। सिंगल नोडल अकाउंट मॉडल वित्त मंत्रालय की एक नई पहल है जिसमें ग्रांट इन एड जो भारत सरकार का ग्रांट जाता है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो और एकदम सरकार के खर्चे में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, वो इंश्योर करना हमारा मकसद है। निजी बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि आज के आयोजन का मुख्य लक्ष्य PFMS जिसका बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जाता है उसे बैंकों द्वारा जनता तक सुविधाजनक ढंग से पहुँचाना है। जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जितने भी बजट का एलोकेशन होता है उसका बैंकों के साथ वो बेनिफिशियरी अंतिम लाभार्थी तक उसे कैसे पहुंचाएं और उन अकाउंटिंग सिस्टम को दैनंदिन हम लोग कैसे उसका रखरखाव करें उसके बारे में है।